देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले कोयला डाला करते थे इसके अंदर, और ये आप देख सकते हैं इससे कोयला डाला करते थे, और यहाँ पे आपको मिलेगा कोयला, देख सकते हैं आप। और हम आपको लेके आए हैं, मेन मकसद था हमारा गदर मूवी वाला इंजन देखने का, और आप देख सकते हैं एक, और ये आप देख सकते हैं ये है गदर मूवी वाला इंजन, और जो कि गदर मूवी में वापसी चलने वाला इंजन है, और आप देख सकते हैं ये वही इंजन है, और जो कि इसकी पेंटिंग मरम्मत जो कि होती रहती है टाइम टाइम से, और आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए और इंजन दिखाएंगे। सुल्तान मूवी में सलमान खान इंजन के पास से होते हुए भागता है, उस इंजन को भी हम आपको दिखाएंगे। सेम इंजनों की डिजाइन आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप जरूर आइए, रेलवे स्टेशन रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, और आप देख सकते हैं स्टीम लोको, और ये नंबर देख सकते हैं 7200 नंबर है इस इंजन के, और आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 50-60 इंजन रखे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंजनों पर चढ़ना सख्त मना है, जुर्माना 500 रुपए का। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इंजन के टायर देखिए कितने बड़े बड़े टायर हैं। और ये पेंटिंग देखिए दोस्तों, तो इस डिब्बे की पेंटिंग देखिए कितनी गजब की पेंटिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 75 आजादी का अमृत महोत्सव, और इस इंजन को भी दिखाया गया है जो कि गदर मूवी में वापस चलने वाला इंजन, इस मूवी को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है रोलर, और जो कि ये भी रेवाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसी लोको में है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये रोलर है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से स्टेशन का जंक्शन भी दिखाई दे रहा है आपको, और पटरियां भी दिखाई दे रही है आपको, और पुल भी दिखाई दे रहा है आपको, और ब्रिज भी दिखाई दे रहा है आपको, और ये छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं आपको, और दोस्तों ये नक्शा टाइप में दिखाई दे रहा है, और सामने भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थर पहाड़ से गुजरती हुई ट्रेन आपको नजर आ रही है, और ये पानी देख सकते हैं आप। दोस्तों ये ब्रिज देख सकते हैं, ट्रस्ट पुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, और दोस्तों आप देख सकते हैं यह है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, और किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म ब्रिज बनाया गया है, और आप देख सकते हैं सामने भी आपको दिखाएंगे, और किस प्रकार से छोटी छोटी पटरियां और पुल आपको नजर आ रहा होगा, ये भी देख सकते हैं आप दोस्तों किस प्रकार से कितना अद्भुत लोकेशन आपको नजर आ रही है आप दोस्तों, किस प्रकार से पटलियां, किस प्रकार से स्टेशन प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, पुलिया आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटी छोटी पटलियां गुजरती हुई यहाँ पे आपको नजर आ रही है। सकते हैं पहले क्या है, ब्रिजों पे पुलों पे लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन और आजकल दोस्तों आजकल लकड़ी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लकड़ी का प्रयोग किया गया था, पहले लकड़ियों का प्रयोग किया करते थे। आप देख सकते हैं हम इस ब्रिज पे चल रहे हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास रेवाड़ी लोको, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये पटलिया है, और कितना छोटा इंजन, और ये आपको डिब्बे नजर आ रहे हैं किस प्रकार से सजाया गया है ये, और आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी पटलिया आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डिब्बे हैं और ये छोटी छोटी पटलियों पर किस प्रकार रखे हुए हैं, और ये चलते हैं और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रिज आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, इधर से ट्रेन गुजरती है, फाटक बंद होते हैं खुलते हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों ट्रेन दो भागों में बट गई, एक इधर को जा रही है और एक सामने जा रही है, जो कि वो किस प्रकार से वो पुल को पार करती हुई आपको नजर आ रही है, भी देख सकते हैं आप दोस्तों। ये एक पटली जा रही है फरुख नगर, और एक जा रही है घड़ी हरसरू जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है।
ये इंजन का आप नजारा देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से पेंटिंग करी हुई है और कितने बड़े बड़े इनके टायर हैं और भाप से चलने वाले ये सारे इंजन मैंने आपको दिखाए। और यहाँ पे ट्रेन आ गई है घड़ी हरसरू जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये है भाप वाला इंजन और हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर किस प्रकार से पहले कोयला डाला करते थे, आप हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप अंदर। और ये आप